दोस्तों आपके घर में भी यही घी यूज होता होगा, नाम नहीं दिखा सकता मैं वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी। दूध के अंदर दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वे और कैसीन। कैसीन भी तीन टाइप के होते हैं, उसके अंदर होता है बीटा कैसीन जिसके दो पार्ट होते हैं, A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन। जो बाहर वाली गाय होती है ना, फॉरेन ब्रीड वाली, उनके दूध के अंदर A1 प्रोटीन पाया जाता है जिसके अंदर BCM7 होता है, जिसकी वजह से लोगों को इनडाइजेशन हो रहा है। आजकल दूध ही नहीं पच रहा लोगों को, और अगर ये बच्चों को दिया जाए तो उनकी ग्रोथ में रुकावट आ सकती है और बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। वही हमारी देसी गाय जो भारत से है, उनके दूध के अंदर A2 प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड BCM7 आगे जाके नहीं बनता, जिसकी वजह से डाइजेशन बढ़िया होगा एंड बच्चों को अगर दिया जाए तो उनकी ग्रोथ में भी ये मदद करेगा। तो दोस्तों देसी गाय दूध कम देती है लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसके दूध से बना हुआ घी महंगा होगा। तो अगर आप भी असली घी खाना चाहते हो तो एक बार रोजर फूड्स का घी जरूर ट्राई करें, दमदार है, थोड़ा सा महंगा है, इसलिए मैंने आपके लिए डिस्काउंट कोड भी दे दिया 25%।